तो पार्टी से पटना से बात करें पीजी नाम की बहुत बढ़िया पर आ गई, बहुत बढ़िया। पहले तो बात करें यहाँ पर पीजी के वोकेशनल फेथ मेडिसिन, यहाँ पर दोस्तों एम दे कुछ आपको पता है कि मेल्स निकल गई, एडमिशन लेने की लास्ट डेट है 14 तारीख है। और दोस्तों तो बात करें यहाँ पर कॉलेज ऑप्शन थी अनएडमिटेड यहाँ पे कैंडिडेट्स की, बी एल एल बी की, एल एल बी एम एड की, उनका डिलीट कर दिया गया। चलो ले चलते हैं यहाँ पर ऑफिस नोटिफिकेशन अभी क्या आई है, आइए दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं। दोस्तों बात करें नोटिस आई है यहाँ पर शेड्यू को लेकर के, यहाँ पर लिस्ट को लेकर के कैंडिडेट्स का एम बी ए के लिए, जी डी पी आई के लिए, आइए वो लिस्ट आपको बताते हैं चेक करके। तो दोस्तों एम बी ए के साथ बात करें तो 24 से 26 में नामांकन यहाँ पे जिनका हुआ हेतु आवेदित यहाँ पे आवेदन किए हैं सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है उनका नामांकन हेतु। यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन जी डी व पर्सन इंटरव्यू पी आई जो दिनांक 19 सितंबर से 20 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। तो बात करें एम बी ए में नामांकन होगा जिनका 24 से 26 के लिए सत्र में, तो उनका जी डी ग्रुप डिस्कशन पर्सन इंटरव्यू 19 से 20 सितंबर तक यहाँ पर आयोजित किया जाएगा और सभी छात्र छात्राएं को यहाँ पर संकलन सूची में अंकित तिथि एवं समय के अनुसार ग्रुप डिस्कशन, बात करें पर्सन इंटरव्यू के लिए अपना कहाँ पहुँचना है तो आपको जी डी वुमेंस कॉलेज पटना के एम बी ए डिपार्टमेंट में आपको उपस्थित यहाँ पर होना पड़ेगा। अब बात करें कौन कौन कैंडिडेट्स यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आएंगे, क्या मुझे भी आना है? जी बिल्कुल नहीं, यहाँ पे देखो यहाँ पर पार्टी से पटना द्वारा एम बी ए का यू जी स्कोर जो स्टूडेंट्स यहाँ पर जी डी पी आई जो होगा तो उनका दोस्तों नाम जारी कर दिया गया है। यहाँ पे यू आर एन नंबर के साथ अपना मैच कर लो, कितने बजे पहुँचना है ये भी देखो यहाँ पर है। 19 सितंबर को आपको आना है 10 से 11 बजे, मनीष कुमार जी को, अभिनव राज को आना है 19 तारीख को 10 से 11 बजे। और दोस्तों शेड्यूल देख लो, सारे को शेड्यूल यहाँ पर मिल गया। बात करें 19 से है किन्हीं का, दोस्तों बात करें यहाँ पर 20 को भी यहाँ पर देख पा दोस्तों यहाँ पर जी डी पी आई के लिए, तो जी डी पी आई के लिए आपसे को बुलाया गया है, आपसे भी जाइए जी डी पी आई के लिए। जी डी पी आई दोस्तों हो जाएगा बात करें इसके बाद दोस्तों आपका रिजल्ट निकलेगा और बात करें 20 सितंबर के बाद आप सभी के एम बी ए वाले के नामांकन शुरू होगी। अब आगे बात करें दोस्तों इसी के साथ साथ बात करें एम एड भी नामांकन के यहाँ पर अपडेट नोटिफिकेशन भी आई है। बात करें पार्टी पटना की तरफ से कि रिवाइज नोटिफिकेशन जारी की गई है एम एड एडमिशन के लिए, कि सेकंड फील्ड से यहाँ पर जो न्यू एप्लीकेशन है जो कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई नहीं किया था पहले करेक्शन के लिए भी, तो अपना कॉलेज चॉइस भी चेंज कर सकते हो, अप्लाई भी कर सकते हैं यहाँ पर ओल्ड एप्लीकेंट्स भी यहाँ पर, ठीक है। 14 से 18 सितंबर तक देखो न्यू एप्लीकेशन यहाँ पर जो बाई कैंडिडेट्स को जो अप्लाई नहीं कर पाए थे जो पहले, ठीक है, और जो करेक्शन होगा ये जो कॉलेज चॉइस चेंज करिएगा पुराने स्टूडेंट्स के द्वारा वो आपको मिलेगा 14 से 28 सितंबर को कर सकते हो, 18 सितंबर तक कर सकते हो, 14 से 18 सितंबर। और सेकंड फिलिस इस पर आ जाएगी 19 सितंबर को आ जाएगी, लास्ट डेट नामांकन लेने का होगा फेडरेशन का सेकंड फिलिस पे वो 21 सितंबर को होगा। वही थर्ड फिलिस दोस्तों यहाँ पर फिर 23 से 24 सितंबर आपको मिलेगा मौका यहाँ पर, ठीक है, या जो अप्लाई यहाँ पर नहीं किया है अप्लाई कर सकते हैं और करेक्शन के लिए भी कॉलेज चॉइस फिलिंग के लिए। थर्ड फिलिस आएगी 25 तारीख को, लास्ट एडमिशन नामांकन का होगा फेडरेशन का 27 सितंबर। फिर फोर्थ फिलिस दोस्तों आएगी 28 से 29, यहाँ पर आप अप्लाई कर पाओगे कॉलेज चॉइस फिलिंग चेंज करोगे यहाँ पर। फिर 4 से 1 अक्टूबर को आएगी 4। तो पूर्व से नामांकन पोर्टल पर बात करें यहाँ पर पंजीकृत देख पा दोस्तों यहाँ पर पढ़ने को मिल जा रहा है फिलहाल, तो डिटेल में यहाँ पे देखो कि पूर्व से नामांकन यहाँ पर पोर्टल पर पंजीकृत जो एमिड है कि 24 से 25 में नामांकन लेने वाले वैसे छात्र जिनका नामांकन किसी त्रुटि के कारण नहीं हो सका अथवा नामांकन बात करें छूट गया या रद्द हो गया, वे अपने यूजर लॉगिन आईडी और पासवर्ड से ऊपर वर्णित विभिन्न मेरिट लिस्ट के सामने अंकित तिथियों तक ऑनलाइन सुधार आप ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं, वो कॉलेज का चॉइस फिल कर नामांकन ले सकते हैं। वैसे छात्र जो नामांकन ऋतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से जुड़ गए हैं वे भी मेरिट लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन करनी है। विश्वविद्यालय पोर्टल पर प्रत्येक कॉलेज वाइज यहाँ पे कैटेगरी वाइज कोर्स वाइज सीटें आपको दिखाया जाएगा, यहाँ पर प्रत्येक विद्यार्थी अपनी इच्छा के अनुसार महाविद्यालयों का चयन करेंगे। विद्यार्थियों को अपने कैटेगरी के अनुसार सीटों की उपलब्धता देखने के बाद ही आपको अप्लाई करनी है। 5 यहाँ पर प्रत्येक राउंड में महाविद्यालयों का चयन करना अनिवार्य है, यदि विद्यार्थी महाविद्यालय का चयन नहीं करेंगे तो उनका आवेदन उस राउंड के लिए रद्द हो जाएगा। वही नेक्स्ट है विश्वविद्यालय द्वारा आगामी प्रत्येक राउंड के लिए ऊपर जो वर्णित विभिन्न मेरिट सूची के सामने अंकित जो तिथियाँ हैं में मेरिट लिस्ट जारी होगा, महाविद्यालय दिए गए अनुस्थिति के अनुसार नामांकन वैलिडेशन करेंगे। महाविद्यालय को निर्देश दिया जाता है कि जब तक छात्र खुद उपस्थित होकर अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे तब उनका नामांकन एडमिशन यानी कन्फर्मेशन वैलिडेशन नहीं होगा। वही नामांकन के वैलिडेशन का एसएमएस छात्र के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर तत्काल चला जाता है, यदि रजिस्टर मोबाइल नंबर से नहीं प्राप्त हो तो छात्र महाविद्यालय से तत्काल संपर्क कर नामांकन ले सकते हैं। वही वैलिडेशन की प्रक्रिया निश्चित अवधि तक नहीं होने पर छात्र एवं महाविद्यालय इसके लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे तथा विश्वविद्यालय में उनकी शिकायत नहीं सुनी जाएगी। तो ये दोस्तों आपको अपडेट पढ़ने मिले यहाँ पे एमएड वालों के लिए। अब यहाँ पे एक और अपडेट आई है, बात करें एलएलबी कोर्स के लिए बीएलबी के लिए हुआ है वहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं। तो बात करें यहाँ पर रीशेड्यूल कर दिया गया एडमिशन को, यहाँ पर देख नोटिफिकेशन आ गई है 3 साल के लॉ और 5 साल के लॉ कोर्सेज के लिए, कि सेकंड में सब बात करेंगे यहाँ पर आएगी आपको न्यू एप्लीकेशन जो अप्लाई कर सकते हो वही करेक्शन कर सकते हो, कॉलेज चॉइस फिल दे सकते हो 14 से 28 सितंबर सेकंड में लिस्ट के लिए, और सेकंड भी जारी हो जाएगी 19 सितंबर को, उस पर लास्ट डेट नामांकन लेने का कन्फर्म करने का 21 सितंबर। फिर थर्ड मिड लिस्ट यहाँ पर आएगी 25 तारीख को, उस पर एडमिशन होगा 27 तारीख को। फिर फोर्थ का ओपन मिड लिस्ट दोस्तों हो जाएगा
जाएगा, सीट खाली रहा तो स्पॉट ऑन हो जाएगा ये। तो ये दोस्तों ये भी एलएलबी कभी आपको वही करना जो साथ किसी त्रुटि के कारण नामांकन नहीं ले पाए हैं अथवा नामांकन छूट रद्द हो गया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, और नामांकन और जैसे छूट चूक गए तो उनके मौका यहाँ पर मिल रहा है। तो वही सारे जो टर्म्स कंडीशन चूँकि हमने दोस्तों ये बताया आपको, वही टर्म्स कंडीशन यहाँ पर आपको यथावत पढ़ने को मिल जा रही है। तो आओ दोस्तों यहाँ पर कैसे क्या करना है मैं वहाँ पर आपको बता दूँ यहाँ पर। तो आपको सिर्फ आपको आना होगा दोस्तों इस पोर्ट पर एडमिशन पोर्टल pp.online.in। तो यहाँ पर दोस्तों अभी नहीं शो कर रहे, यहाँ पर सीट कटेगा शो करने लगेगा, ठीक है। दिन क्या करना है यहाँ पर दोस्तों नीचे देख पा रहे ये शो करेगा फिलहाल इस तरीके का शो कर रहा है। अभी मैं मारूंगा तो नहीं होगा क्योंकि अभी दोस्तों 38 का वेट करिए। तो यहाँ पर फिलहाल पोर्टल दोस्तों एक्टिव जब हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर काम शुरू कर पाएंगे। तो ये दोस्तों एक बार पोर्टल यहाँ पर एक्टिव है, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर LLB के लिए अप्लाई करना है, BLB के लिए भी कर सकते हैं, और MLT के लिए अप्लाई नहीं किया तो MLT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोर्टल यहाँ पर दोस्तों खोल दिया गया है और अप्लाई दोस्तों यहीं से आपका होगा। और अप्लाई करने के बाद दोस्तों यहाँ पे बात करें आपको लॉगिन करके यहाँ से आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड आईडी जो क्रिएट हो जाएगा डाल के फिर यहाँ पे आपको कॉलर चॉइस फिलिंग करनी है, अपने थोड़ा ऑन कर लेनी, बस इतना आपको काम करनी है। फिर आपकी मेल जब रिलीज होगी नाम चेक करेगा, नाम आएगा मेरिट लिस्ट में तो कॉलेज जाना है, डॉक्टर का वेरीफिकेशन सत्यापन कराना है, फिर कॉलेज सब पर जाकर के कॉलेज ऑफलाइन होगा तो ऑफलाइन चलान कटा करके कॉलेज आपको नामांकन ले लेनी है। तो ये थी अपनी पार्टी से पटना बात करी PG वोकेशनल PG एडमिशन को लेकर के LLB MED। वीडियो को लाइक करिए, आगे बस पाने के चैनल से बने रहिए। तो दोस्तों पार्टी से पटना से बात करें यहाँ पर BLLB फिफ्थ ईयर LLB यहाँ पे 3 ईयर वो मैं एमएड के यहाँ पर कोर्स बात करें PG वोकेशनल नामांकन बहुत बढ़िया यहाँ पर आ गई है। आपको बताया सुनिए पूछ जाकर वीडियो यहाँ पे पूरा देखना। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि BLLB के 5 ईयर के सेकंड मेलिस यहाँ पर रिलीज़ हो चुकी है, वही LLB के 3 ईयर के सेकंड मेलिस रिलीज़ हो चुकी है, MED की भी सेकंड मेलिस यहाँ पर रिलीज़ हो चुकी है। तो इस समय दोस्तों बताएंगे आपका नामांकन आपको कैसे लेनी है, प्रक्रिया क्या है। और PG की बात करें यहाँ पर वोकेशन की फिर दोस्तों नामांकन यहाँ पर प्रक्रिया तो बोले कि कम्प्लीट हो समाप्त हो चुका है। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होगा और उसके साथ यहाँ पर जानेंगे कि यहाँ पर जो नामांकन प्रक्रिया है PG के स्पॉट नामांकन शुरू होगा या नहीं होगा, तो कब से यहाँ पर होगा और सीटें कितनी बची। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ नोटिफिकेशन आई थी नामांकन के विषय को आपको बता दूँ। तो जी दोस्तों बात करें सबसे पहले तो यहाँ पर देख पा रहे MBO को लेकर नोटिफिकेशन आई है GD और PI के लिए, PI को कि GD PI कब यहाँ पर होगी। तो बात करें MBA के साथ 24 से 26 में जो भी नामांकन के लिए अप्लाई किए छात्र छात्रा आप सभी का ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू PI है वो 19 सितंबर से 20 सितंबर तक होगा। आप सभी को का लिस्ट में नाम आ गया है, आपको ग्रुप डिस्कशन पर्सनल इंटरव्यू के लिए JD वुमेंस कॉलेज पटना के MBA डिपार्टमेंट आपको जाना होगा। तो क्या सभी लोग जाएंगे? जी बिल्कुल नहीं, आपको यहाँ पे पूरा लिस्ट यूनिवर्सिटी ने जारी किया है स्कोर वाइज। यहाँ पर स्कोर कैंडिडेट्स के लिए देख पा रहे UG स्कोर कैंडिडेट्स के लिए जिनका GD PI आपका होगा 19/9 को होगा, 10 से 11 बजे जाना है। नाम अपना पढ़ लीजिए, URL में मिला लीजिए, इस लिस्ट पर अपना नाम को चेकआउट कर लीजिए कि उनको कितने बजे जाना है, पूरा अच्छे से डिटेल्स में यहाँ पर दिया गया है। आपको इसी लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको जाना है JD वुमेंस कॉलेज, जाके अपना GD और PI दे देना है, फिर इसके बाद मेरी लिस्ट बनेगी, फिर आपका नामांकन होगा। वही बात करेंगे MED के लिए क्या आया है अपडेट। दोस्तों MED कोर्स के लिए नामांकन यहाँ पे अपडेट आई है, देख पा रहे हो कि 14 से 18 थी दोस्तों। यहाँ पर आपको कोई भी फॉर्म में करेक्शन करनी है या कॉलेज चॉइस फिलिंग आपको देनी है तो यहाँ पर जो कॉल भी रजिस्ट्रेशन फ्रेशर्स वाले भी कर सकते हैं 14 से 18 सितंबर तक, जिस पर सेकंड मेलिस 19 तारीख को आ जाएगी, उस पर नामांकन आप एडिशन ले पाओगे 21 सितंबर तक। और फिर इसके बाद थर्ड मेलिस जारी करेगा जो कि 25 सितंबर को जारी करेगा, उस पर नामांकन 27 को होगा। फिर स्पॉट नामांकन होगा, 4th ओपन मेलिस खुल जाएगा जो कि 1 अक्टूबर को यहाँ पर बढ़ पा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों कि पहले जो नामांकन पोर्टल पर MED 24 से 25 में नामांकन लेने से वैसे छात्र छात्रा जिनका नामांकन किसी त्रुटि के कारण नहीं हो पाया, करेक्शन के कारण अथवा नामांकन छूट गया, रद्द हो गया, तो वे अपने यूजर लॉगिन आईडी पासवर्ड से अपना मेरिट लिस्ट के अंकित तिथियों तक ऑनलाइन आधार पर महाविद्यालय का चयन करेंगे। वैसे छात्र जो नामांकन हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने से चूक गए थे वे भी यहाँ पर मेरिट लिस्ट के सामने अंकित तिथियों में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय पोर्टल पर प्रत्येक महाविद्यालय में रिक्त वाई कैटेगरी वाइज कोर्स वाइज सीट दर्शाया गया है, उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करना है। विद्यार्थियों को अपने कैटेगरी के अनुसार सीटों की उपलब्धता देखने के बाद ही अप्लाई करनी है और प्रत्येक राउंड में महाविद्यालयों का चयन करना अनिवार्य है। कॉलेज चॉइस सिलेक्शन आपको करनी होगी, यदि विद्यार्थी महाविद्यालय का चयन नहीं करेंगे तो उनका आवेदन उस राउंड में के लिए एक्सेप्ट नहीं होगा। विश्वविद्यालय द्वारा आगामी प्रत्येक राउंड के लिए ऊपर वर्णित विभिन्न मेरिट लिस्ट के सामने अंकित तिथियां में मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। महाविद्यालय को दिए गए तिथि के अनुसार जारी सूची के आधार पर नामांकन ले लेना है, नहीं तो वैलिडेशन पूरा करना है। महाविद्यालय को निर्देश दिया जाता है कि जब तक छात्र खुद उपस्थित होकर अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरीफिकेशन नहीं करवाएंगे तब तक उनका नामांकन वैलिडेशन नहीं होगा। तो आपको डॉक्यूमेंट्स का नामांकन वैलिडेशन कराने खुद से आना है,
नामांकन का वैलिडेशन का SMS एवं के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर तत्काल चला जाता है। यदि रजिस्टर मोबाइल नंबर से नहीं प्राप्त होता है तो छात्र कॉलेज से संपर्क करेंगे और वैलिडेशन की प्रक्रिया निश्चित अवधि तक नहीं करने पर छात्र महाविद्यालय इसके लिए खुद जिम्मेदार होगा, यूनिवर्सिटी में शिकायत नहीं सुनी जाएगी। तो ये कुछ यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला है एमबीएड में नामांकन को लेकर के। अब यहाँ पर आगे दोस्तों हम चलेंगे यहाँ पर BLLB, तो लॉ के कोर्सेज में भी नामांकन प्रक्रिया शुरू यहाँ पर हो गई है BLLB में। LLB का बात करेंगे यहाँ पर एक बार दोस्तों, 3 ईयर और BLLB का यहाँ पे बात करेंगे, 3 ईयर BLLB यहाँ के बात करेंगे। और एक बार 5 ईयर कोर्स में नामांकन को लेकर के, इसमें भी सेकंड लिस्ट 19 तारीख को आ जाएगी जिस पर नामांकन 21 तारीख से तक होगा। और इसमें भी फ्रेशर्स वाले को भी कोई भी फॉर्म में करेक्शन है आप 14-18 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद नामांकन जैसे लास्ट डेट होगा सेकंड में जिनका नाम आएगा 21 सितंबर तक। फिर थर्ड मेरिट से बात करें यहाँ पर दोस्तों आएगी 23 से 24 सितंबर, और उस पर बात करें यहाँ पर 23 से 24 सितंबर आपको समय मिलेगा कॉलेज चॉइस फिलिंग का। और 25 तारीख को हर मेल से रिलीज होगी, 27 को आप सभी यहाँ पर लास्ट डेट होगा, फिर ओपन मेल से यहाँ पर होगी आएगी। देख पर LLB का बात करें 3 ईयर का कोर्स में नामांकन चल रही है और BLLB के 5 ईयर्स के कोर्स में यहाँ पर। तो दोस्तों वही सारा है जो छूटे हैं अभ्यर्थी फ्रेशर्स वाले वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, करेक्शन फॉर्म में करेक्शन भी कर सकते हैं, चूँकि अभी हमको बताया सारे यहाँ पर डिटेल्स दोस्तों सेम ही रखा गया है। अब बात करेंगे यहाँ पर फिलहाल रिलीज़ किया गया BLLB का, यहाँ पे देख पा रहे हो सेकंड मेरिट लिस्ट उसको भी रिलीज़ किया गया। तो जी दोस्तों, BLLB 5 ईयर्स LLB के 3 साल के नामांकन लेने वाले छात्रों के नामांकन के संबंध में कि सभी छात्र छात्राओं अभिभावकों महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि 2 सितंबर के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार आज 14 सितंबर को सेकंड मेरिट जारी कर दिया गया। तो यहाँ पर 13 सितंबर तो दोस्तों बात करें विश्वविद्यालय दिनांक 13 सितंबर को जारी अधिसूचना को तत्काल स्थगित यहाँ पर कर दिया है, इसकी विस्तृत सूचना आपको बाद में दी जाएगी। वही दोस्तों बात कर आगे एमिट की भी सेकंड मिली से यहाँ पर रिलीज़ हो चुकी है, उसको भी लेकर के ऑफिस नोटिफिकेशन अभी भी यूनिवर्सिटी की तरफ से आई है कि एमिट के 24-24 में नामांकन लेने के छात्रों के नामांकन के संबंध में कि सभी छात्र छात्राओं अभिभावकों महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 2 सितंबर के द्वारा जारी सूचना के अनुसार आज 14 सितंबर को सेकंड मिली जारी किया गया, 13 सितंबर को जारी अधिसूचना को तत्काल स्थगित किया जाता है, इसकी विशेष सूचना आपको बाद में दी जाएगी। और उसके साथ देखो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन और है, क्योंकि एप्लीकेशन LLB 3 ईयर्स के लिए LLB एमएड के लिए यहाँ पर 13 सितंबर लेटर यहाँ पर जो था वो स्टॉप कर दिया गया क्योंकि टेक्निकल एरर की वजह से। फ्रेश शेड्यूल न्यू एप्लीकेशन का वो नोटिफाइड बाद में होगा। तो 2 एप्लीकेंट्स यहाँ पर ऑलरेडी अगर अप्लाई कर चुके हैं, नोटिफिकेशन बाहर लिए हैं, उनको यहाँ पर नेक्स्ट टाइम में दोस्तों बात करने मौका दिया जाएगा जरूर। तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हो आपको अब मेरी लिस्ट रिलीज़ होगी, आप कट ऑफ चीज़ चेक कर लो यहाँ पर। एमिट का बात कर सेकंड मेरी यहाँ पर रिलीज़ हुई, आपको इस पर व्यू कट ऑफ पर क्लिक करके यहाँ से आप कट ऑफ चेकआउट कर सकते हैं। 2-3 कॉलेजेस एमिट में हैं, गौतम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज बिहार शरीफ, नालंदा मिर्जा गालिब टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज सोरमपुर, पटना में RP टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, जिसमें आप देख पा रहे हो दोस्तों सीटें यहाँ पर कितना कट ऑफ गया है, आप उसके चेकआउट यहाँ पर कर सकते हो। उसी के साथ दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर तो LLB की भी बात करें, यहाँ पर सेकंड मेरिट रिलीज़ आउट हो चुकी है। आप देख रहे हो LLB में दोस्तों 3 कॉलेज में LLB यहाँ पर होता है, RPS लॉ कॉलेज बिहार, हिमालय लॉ कॉलेज LLB में। और वही दोस्तों बात करेंगे BLLB 5 साल का जो कोर्स है, इसमें देख पर बस एक ही कॉलेज बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, जिसमें दोस्तों यहाँ पर नामांकन चल रहा है, जिसका कटअप इतना गया आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। अब बात करें कि सर PG वोकेशनल की जो फीस मेरिट लिस्ट यहाँ पर दोस्तों जो निकली थी, उसमें दोस्तों नामांकन लेने का डेट तो फिलहाल यहाँ पे खत्म हो ही चुका है। अब आखिर क्या होगा, देखो 14 तक की उसका डेट था, ये भी दोस्तों बात करें यहाँ पे, ये तो खैर UG का है, मैं PG का बात करूँगा। तो PG का बात करूँ उसका 5th मेरिट लिस्ट जो नामांकन यहाँ पे जो प्रक्रिया चल रही थी उसे भी देख पा रहे यहाँ पर, वो भी खैर खत्म हो चुकी है यहाँ पर 14 तारीख की थी 5th मेरिट लिस्ट। अब क्या यहाँ पे 6th मेरिट लिस्ट निकलेगी क्या, आज तक तो ऐसे इतिहास में दोस्तों नहीं हुआ कि 6th मेरिट लिस्ट निकली है। तो मोस्ट प्रॉब्ली उम्मीद है कि यहाँ पे जो सीटें बची उस पर यहाँ पे स्पॉट नामांकन यहाँ पर होने की बहुत पूरी पूरी उम्मीद है। सर स्पॉट नामांकन कब होगा, तो बच्चों बात करें यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे स्पॉट नामांकन आप सभी रखिए यहाँ पर, जो कि गणेश ये विश्वकर्मा पूजा यानी 17 के बाद ही देखो 18 से हो सकता है, 18 तक कोई ना कोई डेट आपको और या फिर नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दी जाएगी जिससे सूचना आपको मिलेगी, तो मैं वीडियो बना के डाल दूँगा ठीक है। अब देखो जिनका भी नाम आया है BLLB 5th ईयर में, LLB में, एमएड में, तो आपको करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है, आपको उस पर क्लिक करिए, आपको उस पर क्लिक करके आपको यहाँ से ऑफर डाउनलोड कर लेनी है। पर उससे पहले मैं बता दूँ, अगर जो अप्लाई यहाँ पर नहीं किए हैं तो फिलहाल उन्होंने फॉर्म तो विदड्रॉ कर लिया है एमएड का, तो जैसे रिलीज़ होगा फिर से वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो जिनका मेरे से नाम आ गया, एप्लीकेशन पर क्लिक करके यूज़र नेम पासवर्ड कैप्चा के लॉगिन करोगे, फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको ऑफर लेटर डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है दिखाएगा ऑफर लेटर।
फिर क्या करना है, फिर उसके बाद उस कॉलेज में जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करा। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा आपके पास, अभी तक आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स रख लेगा ओरिजिनल, उसका सभी उससे टेस्ट का सेल्फ फोटो कापी, उसके साथ चाहे आपका फोटोग्राफ, आधार कार्ड का जीरोक्स कॉपी, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आप फोल्डर यहाँ से डाउनलोड करके एप्लीकेशन फॉर्म इस पोर्टल से डाउनलोड कर लोगे, समझे ना। ये सब दोस्तों रख लीजिएगा, रख के आपको आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ कॉलेज में जाइए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराइए, उसके बाद कॉलेज में आपका नामांकन होगा। या तो ऑफलाइन कॉलेज करेगा तो ऑफलाइन होगा, नहीं तो ऑनलाइन, तो कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर आपका नामांकन लेना पड़ेगा। और जिनका भी दोस्तों सेकंड से नाम नहीं है, रूम भी वरीड अबाउट इट, थर्ड मेरी दोस्तों यहाँ पे निकलेगी। तो सर क्वेश्चन आता है सर यहाँ पे थर्ड मेरी यहाँ पर कब निकलेगी, तो हमने उसके जाके आपको आज के सुनने में आगे दे दी। तो ये थी बहुत बात के पार्ट से पढ़ना यहाँ पर पीजी नाम को लेकर के। वीडियो को लाइक करिए, इस तरह का रिलेटेड पाने के चैनल से बने रहिए।